डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2016 के बारे में। जी हां, इसमें हम आपको बताएंगे कि दिसंबर 2016 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, जिसे आप एक बेहतरीन योजना बनाकर बेहतर परिणाम पा सकेंगे। और साथ ही अगर कोई कठिनाई या कोई परेशानी है तो उसके लिए हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों, सामान्य तौर पर इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। कार्य व्यापार आदि के लिए जो समय है वो काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है। हालांकि महीने की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर रह सकती है, ऐसे में थोड़े से संयम की आवश्यकता भी रहेगी। जिन कामों को आप जल्द पूरे होने की सोच रहे हैं उनमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, इसलिए परेशान ना हो। देर से ही सही, लेकिन काम पूरे जरूर होंगे। महीने के दूसरे भाग में आपके संबंध उच्चाधिकारियों से, सीनियर से, वरिष्ठों से बेहतर होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी बेहतरी आती हुई प्रतीत हो रही है। आप काम और निजी जीवन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने में कामयाब रहेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में रविवार के दिन नमक ना खाएं। ध्यान रहे, ऐसा केवल इस महीने करना है, बाद में आप नमक खा सकते हैं। और अब बात वृष राशि की। वृष राशि वाले, सामान्य तौर पर इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। कई बार परिस्थितियां विरुद्ध होती नजर आएंगी, लेकिन आप उन पर अंकुश पा लेंगे। इस महीने आपको अपने सहकर्मियों से मनमुटाव करने से भी बचना होगा। यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य के साथ साथ उनकी भावनाओं का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। साझेदारी से, अगर साझेदारी का काम है तो साझेदार से कुछ नाराजगी भी संभावित है। महीने के पहले भाग में अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहीं महीने का जो दूसरा भाग है थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अतः संयम व समझदारी से काम लेकर के आप परिणाम के प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं। इस समय अपने वरिष्ठों का पूरा सम्मान करना जरूरी होगा। हो सकता है कि वरिष्ठ के कुछ निर्णय ठीक ना हो, लेकिन समय का तकाजा ये है कि यदि उनकी हाँ में हाँ ना मिला सकें तो उनका विरोध भी ना करें। इन सावधानियों को अपनाकर आप बेहतर परिणाम जरूर पा सकेंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आटे का हलवा रविवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ाएंगे तो जीवन में बेहतरी जरूर आएगी। और अब बात मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, सामान्यतः इस महीने आपको मिश्रित परिणाम, मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कुछ विसंगतियां रह सकती हैं। इस महीने वासनात्मक विचारों पर संयम रखना भी जरूरी रहेगा। हालांकि साझेदारी के कामों में लाभ मिलेगा। किसी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखना हो तो यह भी उचित रहेगा। महीने के पहले भाग में कुछ प्रतिद्वंदी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे निपटने में सफल रहेंगे। कई काम आपके पुरुषार्थ के कारण बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन पिता के स्वास्थ्य की कमजोरी के चलते आपको कुछ चिंताएं रह सकती हैं। महीने का दूसरा भाग पिता के मामले में ठीक है, लेकिन दैनिक कार्यों में कुछ व्यवधान इस समय रह सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में गणेश जी की पूजा अर्चना करना आपके लिए शुभ कर रहेगा। और अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वाले, सामान्य तौर पर इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन स्वभाव में कुछ उग्रता देखने को मिल सकती है। हालांकि संतान आदि के मामलों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन किसी स्वजन से मनमुटाव संभावित है। महीने के पहले भाग की बात करें तो मित्रों की सहायता से आपके काम बनेंगे, लेकिन इस समय मित्रों की सलाह को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति भी आपकी रह सकती है। अगर आप इससे बचेंगे तो निश्चित है परिणाम बेहतर होंगे। महीने का दूसरा भाग अपेक्षाकृत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपका पुरुषार्थ अपना काम बखूबी करेगा। आपको न केवल कामों में सफलता मिलेगी, बल्कि आपके सम्मान का स्तर, आपके मान सम्मान का स्तर भी बढ़ेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में काले उड़द की खिचड़ी गरीबों में बांटना शुभ कर रहेगा। और अब बात सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, इस महीने आपका स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल रह सकता है, अथवा किसी कारण से आपका मन थोड़ा सा खिन्न रह सकता है। इन सबके बावजूद आर्थिक मामलों के लिए समय अनुकूल रहेगा। हालांकि
घर वालों के साथ आप थोड़े से चिड़चिड़े रह सकते हैं, लेकिन जो बाहरी लोग हैं, आप जब घर से बाहर निकलेंगे तो बाहरी लोगों के साथ आप बेहतर संवाद स्थापित कर पाएंगे। महीने के पहले भाग में आपके घरेलू जीवन में कुछ तनाव रह सकता है। हालांकि किसी के सामने प्रेम व विवाह का प्रस्ताव रखना हो तो महीने का पहला भाग अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरे भाग में बहुत सारी चीजें अच्छी रहेंगी। आपके मित्र व परिजन आपका पूरा सहयोग करेंगे। संतान व शिक्षा के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में माथे पर केसर अथवा हल्दी का टीका लगाना शुभ कर रहेगा। और अब बात कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, सामान्यतः यह महीना आपके लिए अच्छे परिणाम देने का वादा कर रहा है। इस महीने आपको कुछ घरेलू सामान खरीदने का मौका मिलेगा। वाहन आदि खरीदने के लिए भी समय अनुकूल है। यदि खरीदना चाह रहे हैं या बड़े दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूर खरीदें। महीने के आरंभ में किसी पड़ोसी से कुछ मनमुटाव संभावित है। इस समय आपको अति उत्साही होकर निर्णय लेने से भी बचना होगा। यदि कोई करीबी किसी मामले में अच्छी सलाह दे रहा है तो उसको जरूर सुने, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा छिपा हुआ है। महीने का दूसरा भाग वैसे तो ठीक रहेगा, लेकिन कुछ कुछ तनाव रह सकता है। ऐसे में शांत चित्त होकर काम करने से आपके काम जरूर बनेंगे, और आपके काम बनने की उम्मीद तो ज्यादा बनती हुई नजर ही आ रही है। उपाय के रूप में गुड़ की बनी कोई मिठाई भगवान कार्तिकेय या फिर गणेश मंदिर में चढ़ाना शुभ रहेगा। और अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, इस माह आपको मिश्रित फल मिलेंगे। यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन है तो इस महीने आपकी मुराद पूरी हो सकती है। हालांकि इस महीने आपको वाहन सावधानी से चलाने की सलाह दी जाती है। महीने के शुरुआती दिन आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल हैं, लेकिन इस समय आपकी जो भाषा शैली है, आपकी जो वाणी है, उसके भीतर थोड़ी सी अप्रियता रह सकती है। ऐसे में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि अपना पक्ष रखें, लेकिन शांति के साथ। महीने का दूसरा भाग अपेक्षाकृत बेहतर है। आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता के द्वार खुलवाएगा। घरेलू जीवन भी इस समय सुखी रहेगा, लेकिन वासनात्मक विचारों को संतुलित अगर आप इस समय रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उपाय के रूप में किसी परिजन को गाजर का हलवा खिलाएं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अब बात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपका आत्मविश्वास कमाल का रहेगा। आपके भाई मित्र और पड़ोसी आपकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन अति उत्साही होकर आपको इन्हीं लोगों से अपने संबंध खराब करने से बचना होगा, क्योंकि आपको लग सकता है कि ये मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, हमें इनकी मदद नहीं चाहिए, तो इस विचार से थोड़ा सा बचें। बदले में आपको उनकी भावनाओं का उतना ही ख्याल रखना होगा जितना कि वो आपकी भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं। हालांकि महीने के पहले भाग में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखें व स्वयं को अहंकारी होने से बचाएं। महीने का दूसरा भाग सामान्यतः अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। इस समय आपकी सैलरी बढ़ सकती है अथवा बेहतर जगह पर आपको नौकरी मिल सकती है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को हल्दी मिला हुआ जल अगर आप चढ़ाएंगे तो परिणाम अपेक्षाकृत बेहतर मिलेंगे। और अब बात कर ली जाए धनु राशि की। धनु राशि वाले, सामान्यतः इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। यदि स्वयं का काम धंधा है तो उसके लिए समय अनुकूल है, उसमें और भी बेहतरी आने के योग हैं। यदि किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार है तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे। हालांकि महीने के पहले भाग में कुछ खर्चे बेवजह हो सकते हैं, लेकिन निरंतर हो रही आमदनी खर्चों का विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ने देगी। यदि विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो महीने का पहला भाग मददगार हो सकता है। महीने के दूसरे भाग में और भी अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। आपका रुतबा और भी बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन सिंदूर चढ़ाना शुभकर रहेगा। और बात कर ली जाए मकर राशि की। मकर राशि वाले, सामान्य तौर पर इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन स्वभाव में उग्रता देखने को भी मिल सकती है। ऐसे में स्वयं को शांत रखते हुए काम करते रहें, यही सलाह आपको दी जाती है। दूर की यात्राओं के लिए समय अनुकूल है। किसी धर्म स्थल पर जाना हो तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। यात्रा सुखद रहेगी।
स्वयं के कार्य व्यवसाय के लिए भी अगर हम समय को देखें तो वह भी अनुकूल नजर आ रहा है। विशेषकर यदि आपका संबंध विदेश से है तो आपको और भी अच्छे परिणाम मिलते नजर आ रहे हैं। महीने का पहला भाग काम धंधे के लिए अनुकूल रहने वाला है, लेकिन विवादास्पद मामलों से अगर आप दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे भाग की बात करें तो दूसरे भाग में अपेक्षाकृत आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत करके आप अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर पाएंगे। उपाय के रूप में गुड़ व मूंगफली से बनी मिठाई, जिसे पपड़ी या चिक्की आदि कहा जाता है, उसका दान किसी मंदिर में करेंगे तो शुभता आएगी। प्रभात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, इस महीने आपको काम के सिलसिले में अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। यदि आपके काम का संबंध विदेश या किसी दूर के स्थान से है तो आपको काफी अच्छा लाभ मिल जाएगा। संतान व शिक्षा के लिए समय अनुकूल है। यदि किसी को पसंद करते हैं तो उनसे अपने दिल की बात यथाशीघ्र कह देनी चाहिए। महीने के पहले भाग में कामों में सफलता मिलने के अच्छे योग हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचे, मान सम्मान में कमी आए। वहीं महीने का दूसरा भाग अपेक्षाकृत और भी अच्छा रह सकता है। आपको आपके कामों का परिणाम जल्दी मिल जाया करेगा। जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दृष्टिहीनों की सेवा अगर आप करेंगे तो जीवन में शुभता जरूर आएगी। उनको कुछ उपहार या कुछ दान जरूर करें। और बात बचक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वालों, सामान्य तौर पर इस महीने आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आर्थिक मामलों के लिए यह माह काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है। हालांकि काम का बोझ थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है, लेकिन आप हर काम को बखूबी करने में सफल भी रहेंगे। आमदनी में इजाफा होने के अच्छे योग हैं, लेकिन आपको इस समय अप्रिय बोलने से बचना होगा, क्योंकि अगर आप मीठा बोलेंगे तो आपके आसपास सुख का प्रतिशत अधिक होगा। महीने के पहले भाग में उपलब्धियों की गति धीमी रह सकती है। इस समय पिता या किसी वरिष्ठ का स्वास्थ्य भी आपको चिंतित कर सकता है, लेकिन जो महीने का दूसरा भाग है वो काफी अनुकूल है। इस समय आपके महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने में समय मददगार होगा, अतः इस समय महत्वपूर्ण कामों को जरूर निपटाएं, क्योंकि उनमें सफलता मिलने के योग अच्छे हैं। उपाय की बात करें तो 7 प्रकार के अनाजों को आपस में मिलाकर कबूतरों को खिलाना जीवन में शुभता लाएगा। इससे आपके जीवन में बेहतरी आएगी। तो आशा है कि इस राशिफल के माध्यम से आप एक बेहतर योजना बनाकर अपने दिसंबर के महीने को बेहतरी दे सकेंगे। आपका आने वाला वर्ष यानी साल 2017 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए। इसी शुभकामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति और हमारे सारे के सारे वीडियोस रहने के लिए, निरंतर देखते रहने के लिए आपको एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करना होगा। तो एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।